Hello students, today we will start types of discontinuity. बेटा last my video बेटा हमने discuss किया था बेटा उसमें continuity के बारे में. Graphically हमने discuss की थी continuity क्या होती है. तो बेटा आज हम types of discontinuity discuss कर रहे हैं. बेटा discontinuity की types हैं removable discontinuity. Discontinuity means जहाँ पे फंक्शन जिस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है वहां पे हम क्या बोलते हैं बेटा डिसकॉन्टिन्यूटी. रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एंड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड. ओके ये पढ़ना है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड. फर्स्ट रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है. एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ देन वी से एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए मीन्स जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ ए देन वी से रिमूवेबल डिस्कॉन्टिन्यूटी. ए फॉर एग्जाम्पल बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन एक्स नॉट इक्वल टू वन ओके जीरो एक्स इक्वल टू वन ओके. हमने क्या निकाल चेक करना है बेटा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूज और डिसकॉन्टिन्यूज एट एक्स इक्वल टू हमने चेक करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूज है या डिसकॉन्टिन्यूज है. फर्स्ट बेटा हम ग्राफिकली देख रहे हैं इसको देखो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है बेटा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन इसके फैक्टर क्या हो गए बेटा एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन. तो क्लियर है बेटा एट एक्स इक्वल टू वन जो फैक्टर कैंसिल हो रहा है बेटा मेरी वीडियो देखते हो डोमेन में मैंने डोमेन निकाली थी उसमें बताया था बेटा जब एक्स माइनस वन कैंसिल हो रहा है जो फैक्टर कैंसिल हो रहा है उस पॉइंट पे क्या बनेगा बेटा होल बनेगा. ओके तो हमारे पास क्या आ गया बेटा वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू बताया ना एक्स की वैल्यू वन नहीं है तब ये वैल्यू आ रही है बेटा जब एक्स की वैल्यू वन है तो ये क्या आ रहा है बेटा जीरो. सो बेटा ड्रॉ द ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओके एक्स की वैल्यू जब हम पुट कर रहे हैं बेटा जीरो एक्स जीरो देन वाई इक्वल टू माइनस टू माइनस वन माइनस टू वाई ऑन एक्स एक्सिस वाई जीरो एक्स की वैल्यू टू वन टू देन दिस ओके बट एट वन यहां पे क्या है ब्रेक है बिकॉज वन पे वैल्यू कितनी है जीरो वन पे कितनी वैल्यू है बेटा जी तो यहाँ पे ब्रेक है बेटा जहाँ पे ब्रेक है वहां पे फंक्शन क्या नहीं है बेटा कॉन्टिन्यूज नहीं है तो एट एक्स इक्वल टू वन दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूज. सो इसको क्या बोलेंगे बेटा देखो लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू वन इसके फैक्टर बेटा एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन कैंसिल ओके वन पुट कीजिए बेटा वन माइनस टू कितनी वैल्यू आ रही है माइनस वन बट आप देख रहे हो वन पे वैल्यू कितनी है बेटा जीरो सो नॉट इक्वल टू एफ वन. सो हम कहेंगे बेटा क्या है बेटा एट एक्स इक्वल टू वन दिस फंक्शन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू वन. सेकेंड बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ ए. सो बेटा इसकी एग्जाम्पल मैं रख रहा हूं बेटा यहां पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के एक्स नेगेटिव ओके एक्स एक्स की वैल्यू पॉजिटिव जीरो सॉरी वन एक्स इक्वल टू जीरो. पहले फर्स्ट ग्राफिकली देखो बेटा जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है वाई किसके इक्वल है एक्स के जीरो तो हमने देख ली जीरो से इस तरफ जीरो पे सर्कल बेटा
ओके, क्योंकि जीरो पे वैल्यू कितनी है, वन। ये हो गया बेटा। नेक्स्ट एक्स लेस देन जीरो नेगेटिव, जब नेगेटिव पुट करेंगे बेटा माइनस वन, वन माइनस टू फोर, टू थ्री फोर, ओके ये है। देन एक्स पॉजिटिव, वाई क्या है, एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, ये क्या है वाई इक्वल टू एक्स के, ये क्या है वाई इक्वल टू एक्स, और वन पे क्या है बेटा, सॉरी जीरो पे वैल्यू कितनी है, वन। तो आप देख रहे हो बेटा ऐसे ग्राफ चल रहा है बेटा, यहाँ पे ब्रेक, ये यहाँ पे चलेगी, फिर इस तरफ चलेगी। जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यहाँ पे ब्रेक है बेटा, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो वैल्यू कितनी है बेटा, वन। सो हम कहेंगे बेटा एट एक्स इक्वल टू जीरो दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, सो वी से रिमूवेबल डिसकंटीन्यूटी। कैसे देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स, जीरो नेगेटिव पे कौन सी वैल्यू आएगी बेटा, एक्स के, ठीक है, क्या आ गई बेटा वैल्यू, जीरो। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एक्स, कितनी वैल्यू आ गई बेटा, जीरो। जीरो पे कितनी वैल्यू है, वन। सो ये क्या हो गया बेटा, रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। बेटा ये थी रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। सेकंड बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या है बेटा, डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए, देन वी से डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सिग्नम फंक्शन। ओके, हमें चेक करना है बेटा कॉन्टिन्यूटी इसकी, देन वी ड्रॉ ए ग्राफ। बेटा आपको मालूम है जब एक्स, मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन क्या है, एक्स जब x पॉजिटिव माइनस x, x नेगेटिव। तो आप देख रहे हो जब वैल्यू बेटा पॉजिटिव है तो y इक्वल टू मॉडुलस x अपॉन x, x अपॉन x वैल्यू कितनी है, वन। जीरो पे कितनी है बेटा, जीरो। जब जीरो से ग्रेटर, सर्कल डाला है बेटा, जीरो जीरो में काउंट करनी, जीरो से ग्रेटर, जीरो से ग्रेटर इधर है ना, y की वैल्यू कितनी आ रही है, वन, यहां पे वन है। जब जीरो से लेस ले रहे हैं बेटा, एक्स लेस देन जीरो, वाई इक्वल टू मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स, माइनस एक्स अपॉन एक्स वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, माइनस वन। सो वी हैव दिस। सो आप देख रहे हो बेटा हम जीरो पे चेक कर रहे हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूज है या नहीं। आप देख रहे हो जीरो से जब राइट नेबरहुड में जा रहा हूं, राइट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मीन राइट नेबरहुड, जीरो के वेरी क्लोज, जीरो के वो क्लोज बेटा। सो बेटा राइट नेबरहुड में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, वन। इन लेफ्ट नेबरहुड में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस वन। सो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इन राइट नेबरहुड वन, लेफ्ट नेबरहुड माइनस वन। सो बेटा फंक्शन डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, यदि हमें ग्राउंड ग्राफिकली करना है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन जीरो नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, एक्स बेटा एक्स नेगेटिव तो माइनस एक्स अपॉन एक्स, कितनी वैल्यू आ गई, माइनस वन। राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगी, प्लस वन। सो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड बेटा, बेटा मैं ग्रेटर एंड टीजर की लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल रखी है, वो भी डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है बेटा एट पर्टिकुलर पॉइंट। और बेटा और एग्जांपल हम रख सकते हैं इसमें, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बेटा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, डिस्कंटिन्यूस, डिस्कंटिन्यूस ऑफ फर्स्ट काइंड एट इंटीग्रल पॉइंट। बेटा इंटीग्रल पॉइंट पे ये क्या है बेटा, डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है। आप चेक कर सकते हो बेटा जो इसका ग्राफ है बेटा, मैंने कहा था ना मेरे वीडियो बने हुए हैं बेटा ग्राफ के,
वो आप दे सकते हो, उसमें इसका ग्राफ बनाया मैंने ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। ये कैसे बनता है बेटा देखो, ऐसे 0 1 1 से फिर स्टार्ट बेटा, ऐसे 2 से फिर 3। सो बेटा 1 ऐसे ग्राफ बनता है। इसकी जो वैल्यू है किसने लाइक करी है बेटा 0 एंड 1, 0 इंक्लूड 1 नॉट इंक्लूड। सो बेटा ये है ग्राफ, इसका ऐसे बनता है। और आप देख रहे हो बेटा एक्ट, जैसे 1 ले लीजिए आप, 1 के लेफ्ट नेबरहुड में इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1 आ रही है, राइट नेबरहुड में इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0, यहाँ पे y क्या है बेटा 0, इन राइट नेबरहुड ऑफ 1 क्या वैल्यू आ रही है बेटा 0, लेफ्ट नेबरहुड में वैल्यू क्या आ रही है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट, राइट नेबरहुड में 0, लेफ्ट नेबरहुड में 1। आप देख सकते हो बेटा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, मतलब लेफ्ट नेबरहुड f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, पुट x की वैल्यू 1 माइनस h, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस h माइनस, बेटा 1 से वैल्यू कम है यहाँ पे 1 माइनस h, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल क्या आएगा बेटा 0, क्योंकि 1 माइनस h 1 से थोड़ी सी वैल्यू कम है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बेटा 0। सो h टेंड्स टू 0, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट किसको टेंड्स कर रही है बेटा 1 को। इन राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पुट x को 1 प्लस h, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस h माइनस 1 प्लस h, 1 प्लस h की वैल्यू कितनी है बेटा 1, ओके कैंसल h 0। सो आप देख रहे हो बेटा राइट हैंड लिमिट में वैल्यू कितनी आ रही है 0, लेफ्ट हैंड लिमिट में अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही है 1, सो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसको क्या बोलेंगे बेटा डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ओके नेक्स्ट बेटा एक एग्जांपल और देख लीजिए आप, डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन 0 1 माइनस एक्स एक्स ग्रेटर देन 0, ओके बेटा ये हमने क्वांटिटी चेक करनी है बेटा एट एक्स इक्वल टू 0। आप देखो बेटा सो फर्स्ट 0 पे 0 लेस देन पे एक्स स्क्वायर, अभी बनाया था बेटा फर्स्ट एग्जांपल में, ये है बेटा y इक्वल टू x के यहां तक पहुंच गया। जब x की वैल्यू पॉजिटिव है 1 पे क्या है बेटा 0, इसकी वैल्यू 1 पुट कीजिए y इक्वल टू 1 माइनस x, 1 पे क्या है बेटा 0, 2 पे कितनी आएगी वैल्यू x की वैल्यू 1 0, x की वैल्यू कितनी पुट की बेटा 2 1 पे सॉरी इसकी वैल्यू बेटा 1 पे कितनी आ रही है y मीट x एक्सिस y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 x 0 y इक्वल टू 1, y पे सर्कल लगाना बेटा। सो ये ऐसे बनेगा ग्राफ, इसको कैसे बनाएंगे बेटा मीट x एक्सिस मीट y एक्सिस, ये ग्राफ आप देख रहे हो बेटा 0 पे जंप करके यहाँ पे आ गया। सो आप देख रहे हो बेटा 0 से नेगेटिव जा रहा हूँ, जब मैं लेफ्ट नेबरहुड में जा रहा हूँ लेफ्ट नेबरहुड में, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आ रही है आप देखो 0, जब मैं 0 से राइट नेबरहुड में जा रहा हूँ तो इसकी वैल्यू किसके अप्रोक्सीमेट आ रही है बेटा 1, देखो 0 से राइट नेबरहुड 0.000 समथिंग, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आएगी बेटा 1। सो राइट नेबरहुड में 1 लेफ्ट नेबरहुड में 0, सो वी से दिस डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। नेक्स्ट डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एनी पॉइंट बेटा, और राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ये है बेटा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 1 बाई एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड एट
x इक्वल टू जीरो। आप देखो बेटा इस तरफ, एक्स वाई इसका जो ग्राफ बनना है बेटा वन कोण एक्स का, ये बन गया, ये जीरो है। जीरो से राइट साइड जा रहा हूं तो इसकी वैल्यू क्या जा रही है बेटा, राइट नेबरहुड में प्लस इंफिनिटी, लेफ्ट नेबरहुड में माइनस इंफिनिटी। सो लेफ्ट राइट नेबरहुड में डज नॉट एग्जिस्ट, लेफ्ट नेबरहुड में डज नॉट एग्जिस्ट। सो इसको क्या बोलेंगे बेटा, डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। क्लियर है बेटा, जीरो प्लस पे क्या जा रही है वैल्यू इसकी, प्लस इंफिनिटी। जीरो लेफ्ट नेबरहुड में, लेफ्ट नेबरहुड में क्या जा रही है बेटा, माइनस इंफिनिटी। सो वी से दिस फंक्शन इज डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। सो बेटा नेक्स्ट वीडियो में इसकी एग्जांपल कंटिन्यूटी और डिस्कंटिन्यूटी की एग्जांपल डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।